हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसी की रसोई भाई एसी का। तो आज हम बनाएंगे मठरी। तो मठरी बनाने के लिए मैंने ये लिया है 2 कप मैदा, और ये 2 कप मैदा है। अब इसमें हम डाल देंगे मोयन। मोयन के लिए आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे मोयन, ये डाल दिया मैंने 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच, 3, और ये आधा चम्मच, ये मैंने 3.5 चम्मच 3 1/2 4 कप डाल दिया है मोयन इसमें। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, अब डाल देंगे हम इसमें 1 पिंच हींग, और ये मैंने ली है 1 चम्मच अजवाइन। इसको हाथों से ऐसे क्रश करेंगे और इसको डाल देंगे इसमें। अब हम ये मैदा को लगा लेंगे, पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मोयन मिलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मोयन मिलाने के बाद आप इस तरीके से हाथ में लेके देखें, अगर ऐसा लड्डू सा बन रहा है और टूटने से, एकदम तोड़ने से ऐसे टूट रहा है, तो मोयन परफेक्ट है। अब हम डालेंगे, सर्दी का मौसम है तो इसमें हम गुनगुने पानी का यूज करेंगे। गुनगुने पानी से मैदा एकदम सॉफ्ट और अच्छा लग के डो तैयार होगा। मोयन से आप ऐसे लड्डू बनाएंगे तो आप देख सकते हैं मोयन मेरा परफेक्ट पड़ा हुआ है इसमें। अब हम डालेंगे पानी, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे। ये एकदम सॉफ्ट डो लगा लेंगे हम। तो मठरी बनाने के लिए मैंने ये मैदा का डो तैयार कर लिया है। तो चलिए अब बना लेते हैं मठरी। तो मठरी बनाने के लिए मैंने ये चकला लिया है। चकला को हम ग्रीस कर लेंगे और बेलन को भी ग्रीस कर लेंगे। अब हाथों में मेरी ग्रीस है, अब हम इसमें से लोई लेंगे, एक बड़ी सी लोई लेंगे जो चकला पे अच्छे से बेल सके हम। अब इसको हम बेल लेंगे। चकला को हमने ग्रीस कर लिया है तो सूखा मैदा लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक पूड़ी जैसी बड़े सी चकले पे बेल के रख ली है। अब इसको हम काट लेंगे। पीस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिस तरीके से आपको पीस पसंद हो, छोटे या बड़े। किसी चाकू की सहायता से, या फिर आप चाहे तो इस तरीके से पिज्जा कटर से आसानी से बना सकते हैं काट के इसको। इस तरीके से हम सारे पूड़ी से पीस बना लेंगे काटते हुए। अब हम इधर से भी इसके कट लगा देंगे पूड़ी में। हम इस तरीके से बस बना के, और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। अब इसको आप चाहे तो, ये साइड से बहुत आसानी से निकल रहा है, आप देख सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। हम इसको चकला से ही सीधा कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे फ्राई होने के लिए। रिफाइंड गरम हो गया है, आप देख सकते हैं। चकला से हम ऐसे चाकू की सहायता से इसको एक एक करके ऐसे हटाते जाएंगे और इसको सीधा कढ़ाई में डालते जाएंगे।
सारी मटरी हम जो चकले पे हमने काट के रखी है सारी हम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हम लो मीडियम ही रखेंगे। आप देख पा रहे होंगे मैंने चकला से सारी मटरी को कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इसको हम चलाते रहेंगे तो इसका सारी मटरी का एक सा कलर रहेगा और ये प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाएगी। गैस के फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे तो ये करारी अच्छे से होगी। तो इस मटरी को मैंने चलाते हुए फ्राई कर लिया है। मटरी सारी मटरी का एक सा कलर है, ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में और बाकी के मैदा की बची हुई मटरी भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे। जैसे हमने पहले मटरी को डाला था चकला से डायरेक्ट कढ़ाही में, आप चाहे तो किसी दूसरे बर्तन में चकला से किसी दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें और फिर आप कढ़ाही में डालें। हम यहाँ इसको डायरेक्ट डाल रहे हैं चकला से, तो इससे हमारा इतना टाइम भी नहीं ख़राब होगा कि हम किसी दूसरे बर्तन में करें फिर दूसरे बर्तन पर फिर हम कढ़ाही में करें। तो हम इसलिए इसको इसी में डायरेक्ट डाल देंगे चकला से। और ये मैंने दूसरी पूड़ी की मटरी को भी कढ़ाई में डाल दिया है, इसको चला देंगे। गैस के फ्लेम का हमें ध्यान रखना है, गैस के फ्लेम को हम लो मीडियम ही रखेंगे। ये सेकंड बैच की मटरी है, इसको भी हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे तो बहुत अच्छे से क्रिस्प होगी और कलर भी एक सा आएगा। ये सेकंड बैच की मटरी भी फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं सारी मटरी का कलर एक सा है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो ये हमारी गर्मा गर्म खस्ता मटरी बनकर तैयार है। खस्ता मटरी का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।